मल्टीप्लायर क्या क्या काम करता है। अगर फसल की ग्रोथ रुकी हो तो ग्रोथ शुरू हो जाती है। फसल में फ्लावरिंग स्टेज हो तो ज्यादा फ्लावरिंग मिलती है। फसल में फ्लावरिंग गिर जाने की समस्या से नजात मिलती है। फ्लावरिंग पर आने वाले कीटक तथा रोगों के अटैक कम से कम हो जाते हैं। फ्लावरिंग सेटिंग का प्रमाण बढ़ जाता है। सेटिंग हो चुके फल गिरने के प्रमाण में तुरंत कमी आती है। फसल के पत्ते हरे हरे होना शुरू हो जाते हैं। अगर पत्ते हरे हो तो डार्क ग्रीन बन जाते हैं। जिन पत्तों की ग्रोथ शुरू है उनका आकार बड़ा बन जाता है। नए आने वाले पत्ते बड़े आकार के आते हैं। फसल का चहुमुखी विकास होता है। ज्यादातर फसलों में शाखाओं पर उत्पादन मिलता है, इसलिए शाखाओं की संख्या बढ़ती है। मल्टीप्लायर के इस्तेमाल के बाद फसल में तुरंत ताकत आ जाती है, इसलिए उस फसल पर कीटक तथा रोगों का अटैक कम से कम हो जाता है। किसी फसल पर कीटक और रोगों के लिए अनेक छिड़काव के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलने पर मल्टीप्लायर के इस्तेमाल के बाद अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है। मल्टीप्लायर के इस्तेमाल होने वाली फसलों पर मादी फूल ज्यादा आते हैं। कुछ फसलों को भोजन कम मिलने के कारण उनके पत्ते लाल होने लगते हैं या पत्तों का किनारा लाल होने लगता है, जैसे कांदे की फसल में पत्तियों का अग्रभाग लाल हो जाता है, जैसे गर्मी के मौसम में भिंडी की फसल के पत्ते पीले पीले दिखने लगते हैं। मल्टीप्लायर के इस्तेमाल से इन सभी समस्याओं पर नजात पाया जा सकता है। मल्टीप्लायर के इस्तेमाल से उत्पादन का आकार बढ़ता है, फलों का आकार भी बढ़ता है। मल्टीप्लायर के इस्तेमाल से उत्पादन की घनता बढ़ती है, इसलिए वजन बढ़कर मिलता है। जिस कैरेट में आप 20 किलो माल भरते हैं उसका वजन 25 से 28 किलो आ जाता है। उत्पादन का स्वाद अप्रतिम बनता है। उत्पादन को आकर्षक कलर आता है। किसी भी फसल में जहां मल्टीप्लायर का इस्तेमाल हुआ है वहां कीटक तथा रोग कम से कम आते हैं। कपास लाल पड़ जाने से उत्पादन प्रभावित होता है। जिस खेत में मल्टीप्लायर का इस्तेमाल होता है उस खेत की फसल लाल नहीं पड़ती। अगर पड़ती है तब भी एक छिड़काव में हरी होने लगती है।